क्रांतिकारियों और कवियों की धरती आजमगढ़, जो तमसा नदी के किनारे बसा है, जहां भारत माता के लाल भी जन्मे और विरोध की आवाज बुलंद करने वाले महान कवि भी। आजमगढ़ जो जिला है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। किस तरीके से लोग परेशानी उठाते थे, कैसे लोग कोई भी अगर कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी होती थी तो लेके अदर डिस्ट्रिक्ट में भागना, फैसिलिटी नहीं होने की वजह से कोई बनारस जाना, लखनऊ जाना, कितने पेशेंटों की रास्ते में मौत हो जाना, कोई सुविधा के अभाव में अपने प्राण त्याग देते थे। वेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन पीपल्स प्रेसिडेंट भारत रत्न श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने किया। डॉक्टर जायसवाल ने अपनी स्वर्गीय माता जी श्रीमती चंपा जायसवाल के आशीर्वाद से आजमगढ़ और पूर्वांचल वासियों को महानगरों के मुकाबले स्टेट ऑफ आर्ट सेवा मुहैया कराने के लिए सन 2012 में वेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की। 50 लाख आजमगढ़वासी और 25 करोड़ पूर्वांचल वासियों के लिए वेदांता हॉस्पिटल ईश्वर की असीम कृपा और डॉक्टर जायसवाल के साहस का जीवंत उदाहरण है। जितने भी और भी पिछड़े इलाके हैं या और डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे जौनपुर हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, इस अस्पताल से इसकी सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 120 बेड्स वाले वेदांता अस्पताल की 20% बेड्स निर्धन मरीजों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। डॉक्टर साहब ने अक्सर कुछ न कुछ नए तरीके से करते रहते हैं, जैसे गरीब पेशेंटों के लिए बेड चार्ज फ्री कर देना, दवाएं फ्री कर देना, ऑपरेशन का फीस नहीं लेना। ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि अपनी ऑपरेशन की फीस अक्सर मरीजों को जो उस तरीके के रहते हैं, नहीं अफोर्डेबल रहते हैं, छोड़ दिया करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पॉट्स स्पाइन का हो गया, स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट आ गए, मजदूर होते हैं, सीढ़ियों पे छतों पे चढ़ के काम करते हैं, 20 फीट 25 फीट पे काम कर रहे हैं, गिर गए, स्पाइनल कार्ड टूट गई, उनकी ऐसी स्थिति है वो अपना इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन की कंडीशन है, ऑपरेशन का खर्चा नहीं वहन कर सकते हैं। ऐसे केसों में डॉक्टर साहब उनका पूरा का पूरा ऑपरेशन का खर्चा खुद वहन करते हैं, क्योंकि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे डॉक्टर साहब, और उस दर्द को, उस पीड़ा को समझते हैं। वेदांता हॉस्पिटल में आजमगढ़ जिले का इकलौता नेफ्रोप्लस डायलिसिस सेंटर है। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा कम समय में तेज रफ्तार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डायलिसिस सुविधा मुहैया करवाई जाती है। निर्धन रोगियों के लिए डायलिसिस सुविधा लगभग निःशुल्क है। वेदांता हॉस्पिटल के नेफ्रोप्लस डायलिसिस सेंटर आजमगढ़ में पूर्वांचल से लोग भी आते हैं और बिहार और अदर स्टेट से भी लोग आके डायलिसिस कराते हैं। वेदांता हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल, ऑब्स्टेट्रिक्स, यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी जैसी श्रेणियों में प्रथम श्रेणी की विश्व स्तरीय चिकित्सा उच्च कोटि की मशीनों द्वारा मुहैया करवाई जाती है। हमारे अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, सारे मशीनरी उपलब्ध हैं। से हमारे यहाँ 25 बेड का ICU है, हमारे पास वेंटिलेटर है, बाईपैप मशीन है, सर्जरी की सारी सुविधाएं हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की हैं। जनरल सर्जरी हो गई, लेप्रोस्कोपिक हो गई, इंडोस्कोपिक हो गई, न्यूरो की माइक्रो सर्जरी हो गई, सारी सुविधाओं से लैस ये हमारा हॉस्पिटल है। एक तरह से कह लीजिए इस लेवल पे कि वर्ल्ड क्लास की सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं आजमगढ़ में। वेदांता हॉस्पिटल की प्रबंधन समिति रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन सेवा मुहैया करवाने के अतिरिक्त दवाएं और चिकित्सा संबंधित सारा खर्च भी वहन करेगी। वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, न कि न्यूरो सर्जरी। उसमें सारे डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज, ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किया जाएगा। मैं बहुत परेशान था दर्द से, कमर का दर्द और पैर का दर्द और सर का दर्द। मैं गोरखपुर, देवरिया और बनारस दवा कराया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया, मैं यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ आया, यहाँ मेरा अच्छा इलाज हुआ। वहीं वेदांता हॉस्पिटल नर्सिंग कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की गणना सबसे उच्चतम और प्रतिष्ठित नर्सिंग स्कूल्स में की जाती है। वेदांता हॉस्पिटल, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग टीम वर्क की तरह काम कर रहा है। ये अप्रूव्ड INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से है और एफिलेटेड UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से है। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से
अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। नर्सिंग एक प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हमें एक एडवांस कोर्सेस टेक्नोलॉजी लानी होती है, क्योंकि ये बच्चों को हमें आने वाले समय में जो फ्यूचर में इनको एडवांस टेक्नोलॉजी जो इनको सीखनी है वो वेदांता इनको प्रोवाइड करता है, वो वेदांता इनको देता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट की नर्सिंग की स्ट्रेंथ 40 का मान्यता है पर सीटेड, अब इस समय हमारे पास 120 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। मेडिकल और नर्सिंग की किताबों से प्रचुर पुस्तकालय में विद्यार्थी नर्सिंग की किताबों के अतिरिक्त देश और विदेश के मेडिकल जर्नल्स का भी लाभ उठाते हैं। हमारा एम हमेशा यही रहा है और हमारा मैसेज बच्चों को यही रहा है कि हम अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दें बच्चों को और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी दें, जिससे ये एडवांस नर्सिंग कोर्सेज और एक साइंटिफिक नॉलेज लेकर यहाँ से जाएं। हमारा पहला बैच 2016 GNM कोर्सेज स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में हमारे 3 ईयर कोर्सेज GNM, ANM 2 ईयर कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में डमी पेशेंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों को नर्सिंग कोर्सेज से अवगत कराया जाता है। मेरी आइडियल फ्लोरेंस नाइटिंगल है, मुझे नर्सिंग फील्ड अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने नर्सिंग फील्ड को चुना। सारे स्टेट में नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में मैंने सर्च किया, जिसमें मुझे आजमगढ़ में वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के बारे में पता चला और मैंने यहाँ के बारे में पता किया और मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन करवाया। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में लेटेस्ट कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब और प्रोजेक्टर युक्त मॉडर्न क्लासरूम भी हैं। वेदांता परिवार ने भारत रत्न माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम और माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंपा जायसवाल जी से प्रेरित होकर 3 दिवसीय अनावृत निशुल्क सेवार्थ मेडिकल कैंप लगाया है जो प्रत्येक वर्ष जारी रहेगा। कैंप में निशुल्क OPD के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सक निशुल्क सेवाएं देंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं पहले यहाँ अपनी माताजी का इलाज करवा रहा था, इलाज बढ़िया चल रहा था, मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो गई, मुझे लोगों द्वारा पता चला कि यहाँ फ्री कैंप लगने वाला है, फ्री कैंप के द्वारा मैं आया, मैंने सोचा यहीं इलाज करवा जाए। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब से मैंने अपनी मजबूरी बताई, जी मेरी स्थिति ख़राब है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, न्यूरो का इलाज काफ़ी महंगा होता है। डॉक्टर साहब ने मेरी स्थिति देख के कहा कि हाँ भाई इलाज कर देंगे आप। मरीजों की निःशुल्क जाँच और दवाओं के अतिरिक्त अत्याधुनिक मेडिकल यंत्रों द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। मरीज और उसके एक तीमारदार के रहने और भोजन की व्यवस्था वेदांता परिवार वहन करेगा। हम आए अस्पताल में कुछ काम से आजमगढ़ से आए अस्पताल तक, पता किया कि हम अपना ऑपरेशन करवा ले, यहाँ कैंप चालू करके आप आ जाए, कैंप लग रहा है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो 16 तारीख को डेट दिए लोग, 16 को आके सब जाँच पड़ताल किए अपना, 27 को डेट दिया हो तो 27 को आए कल ऑपरेशन भी हो गया। यहाँ पर हमको चाय पानी का सब सुविधा मिली है, दवा की सुविधा मिली है, यहाँ के कर्मचारी बार बार आके हमको देख रेख कर रहे हैं, एंजिन में 4,000 5,000 बार आके हमारा देख इलाज कर रहे हो।